जीवन बहुत सरल हो चुका है, परंतु मानसिकता और भक्ति भाव लुप्त हो रहे हैं। ऐसे में एक ही समाधान है, श्रीमद् भागवत गीता। जी हाँ, अनुपम गीत बना गीता को दिया कृष्ण ने जीवन, अनुपम गीत बना गीता को दिया कृष्ण ने जीवन। मानव मात्र का हित है इसमें, करते हम सब वंदन, करते हम सब वंदन। भारतीय संस्कृति की गीता आधारशिला है, लोकप्रियता के इससे बढ़कर और कोई ग्रंथ नहीं। वास्तव में गीता भौतिकवादी संस्कृति में सुखमय व संतुष्ट जीवन जीने की अनूठी कला है। यदि मनुष्य जान ले कि हमारे गीता ज्ञान का सागर है, तो जीवन कितना सरल है आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। ये तो आप सब जानते हैं कि मनुष्य के जीवन में संस्कारों का सिलसिला तो बचपन से ही आरंभ हो जाता है। यदि संस्कार रूपी नींव मजबूत ना हो, तो जीवन रूपी इमारत खड़ी नहीं हो सकती। और यदि हम इस इमारत को मजबूत बनाना चाहते हैं, तो एक ही उपाय है, श्रीमद् भागवत गीता। आज की युवा पीढ़ी क्या सोचती है कि गीता सिर्फ बुजुर्गों के लिए है? यह तो सत्य नहीं। बच्चों व युवाओं को तो गीता भाव से जुड़ने की अत्यंत आवश्यकता है। यदि बचपन संस्कार ही हो गया और यौवन बिगड़ गया, तो इस संसार में मानवता को कौन बचाएगा, उसकी सुरक्षा कौन करेगा? मान्यता है कि गीता श्री कृष्ण की अमृत वाणी है। हमें प्रतिदिन एक उपदेश को पढ़ना चाहिए, और यदि आलस्य की पीढ़ियों में बने रहे तो बहुत कुछ गवा देंगे। उस समय श्री कृष्ण ने अर्जुन को चुना था पापियों को दंड देने के लिए। अब हमारी बारी है। अर्जुन के नाते से किया था जग में उजाला, अर्जुन के नाते से किया था जग में उजाला। प्रेम कर्तव्य भक्ति का भाव हृदय में था पाला, हृदय में था पाला। जब तो अर्जुन ने पापियों को दंड दे दिया, परंतु अब हमारी बारी है। हमारा शत्रु है कौन? आलस्य, अभिमान, घमंड। यदि हम इसे लड़ जाएं, तो कामयाबी आपके कदमों में है। जीवन बहुत सरल है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि मैंने अपनी सरल सी भाषा में आपको कुछ बताने का प्रयास किया है। यदि किसी ने मुझे गौर से सुना हो, तो वे समझेंगे कि गीता हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है, और इसका पठन तो अवश्य एक बार करें। क्यों?